नमस्ते बच्चों, आज मैं एक नया व्याकरण भाग लेके आई हूँ। वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं उसका भेद उस उदाहरण के सहित आप आज जानेंगे। विराम चिन्ह का मतलब होता है ठहराव, विश्राम, रुकना, अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, अब विराम चिन्ह का नाम जानेंगे। अल्पविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, अर्धविराम, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अवतरणीय चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लघाव चिन्ह, आदेश चिन्ह या विवरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और कोष्टक चिन्ह। अब एक एक विराम चिन्ह के बारे में अब जानेंगे। पहला तो अल्पविराम, यानी अंग्रेजी में हम कामा कहते हैं। जहां थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। और दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने भारत में पहाड़, झरने, नदी, खेत, इमारत आदि चीजें देखी थी। अगला चिन्ह है पूर्ण विराम, यानी अंग्रेजी में हम फुल स्टॉप कहते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण, राम खाना खाता है, मोहन स्कूल जाता है। उप विराम यानी कोलन, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उप विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगला चिन्ह तो अर्ध विराम यानी सेमी कोलन, जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण देखिए, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। योजक चिन्ह यानी हाइफन, योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। उदाहरण देखिए, सुख और दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश। और दूसरी उदाहरण देखिए, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया। अवतरण या उद्धरण चिन्ह यानी अंग्रेजी में हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए उदाहरण में, तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हो सुख नाही। और दूसरे उदाहरण देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कहा है, जीवन विश्व की संपत्ति है। और तीसरे उदाहरण में देखिए, राम ने कहा, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। रेखांकन चिन्ह यानी अंडरलाइन, किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। दूसरी उदाहरण देखिए, गोदान उपन्यास
प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। तीसरे उदाहरण देखिए, कृष्ण ने बरगद के पेड़ के नीचे उपदेश दिया था। अगला चिन्ह है लाघव चिन्ह यानी एब्रिविएशन। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। उदाहरण में देखिए, डॉक्टर के लिए ढ लिखते हैं, पंडित के लिए पम लिखते हैं, इंजीनियर के लिए इमजी, उत्तर प्रदेश के लिए उ और प्र, इनके बीच में एक शून्य को हम लगाए हैं, इसलिए इसको लाघव चिन्ह कहते हैं। आदेश या विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। उदाहरण, आम के निम्न फायदे हैं। संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। अगला चिन्ह है विस्मयादि बोधक यानी इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। उदाहरण, हाय, हाँ, अरे, शाबाश, हाय, वो मार गया, हाँ, कितना सुहाना मौसम है, वाह, कितना सुंदर वृक्ष है। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह का प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। उदाहरण, वह क्या लिख रहा है, ताजमहल किसने बनवाया। आगे कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट कहते हैं। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। उदाहरण, विश्वामित्र यानी क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। धर्मराज, इनका और एक नाम है युधिष्ठिर, सत्य और धर्म के संरक्षक थे। बच्चों, आज आपने विराम चिन्ह किसे कहते हैं और उसका वेद के बारे में उसका अर्थ उदाहरण के सहित जान लिए है ना। अगले वीडियो में मैं और एक नई व्याकरण बाब को लेके आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। And do subscribe. From Gnanajyoti team, alone we can do so little, together we can do so much. For further information, kindly visit our website, that is www.gnanajyoti.com.